इरादे मुझे पैक बोलिए, इरादे मुझे पैक बोलिए। तो आ गए आप लोग, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के शुरुआत करते। तो मेरा नाम है कान्हा नाथ, आप देख रहे हैं टेक्निकल फ्रेंड। चलिए शुरुआत करते। तो फ्रेंड मैं आप जैसे बोलता है आपकी अपनी फैमिली, तो अपनी फैमिली के लिए मैं कुछ कमाल की चीज़ लेके आ चुका हूँ। तो जैसे कि मैं बोलता था मैं न्यूज़ कर देता था, तो अभी मैं टेक न्यूज़ भी लेके आ चुका हूँ। हैशटैग टेक न्यूज़ पहली है, तो मतलब मुझे सपोर्ट कीजिए ताकि मैं और ले गया। तो बात करते, काफ़ी अच्छी रियलमी ने निकाल चुका है काफ़ी कमाल का, रियलमी का X2 Pro आने वाला है, फ्लैगशिप फ़ोन होने वाला है। तो फ्लैगशिप फ़ोन भी रियलमी आ चुका है, तो मतलब कमाल का फ़ोन लेके आ गया यार। तो इसमें हमें मिलने वाला है स्नैपड्रैगन का 855 मिलने वाला है। बात करें इसमें क्वाड कैमरे का सेटअप मिलने वाला है, वो भी 64 मेगापिक्सल का है। और प्लस इसके ज़्यादा में 20 ऑप्टिकल जूम भी मिलने वाला है, मतलब 20 ऑप्टिकल जूम 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 मिलने वाला है। और बात करें इसमें वुक चार्जर मिलने, सुपर वुक चार्जर मिलने वाला है, वो भी 50 वोल्ट का, मतलब काफ़ी फास्ट, मतलब चार्ज जैसा वुफ 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 चार्ज होएगा फ़ोन, तो फ़ोन भी काफ़ी फास्ट चार्ज होएगा। और 90Hz का डिस्प्ले मिलने वाला है, जैसे कि वन प्लस ने दिया था जो डिस्प्ले, तो वो डिस्प्ले हमें मिलने वाला है। तो काफ़ी कमाल का रियलमी का होने वाला है X2 Pro। तो वेट करिए, इंशाल्लाह वो जल्दी फ़ोन आ भी जाएगा। तो सेकेंड न्यूज़ की बात करें, तो जैसे कि कूलपैड वाले लोग, कूलपैड की कोई न्यूज़ नहीं डाला तो मुझे मिले, तो मैं लेके आया कूलपैड कूल 5 की कुछ न्यूज़ हमें हाथ में आ चुकी है। तो आप देखेंगे काफ़ी कमाल का फ़ोन निकाला है, बट अगर इसमें और कुछ अपडेट कर देता तो और अच्छा फ़ोन होता। तो बात करते हैं इसकी डिस्प्ले साइज़ की, तो डिस्प्ले साइज़ होने वाला है 6.22 इंचेस का होने वाला है, और इसमें डुअल कैमरा होने वाला है 13+2। क्या यार, सब ट्रिपल और क्वाड कैमरे पर चल रहा है, आप अभी तक का डुअल पर फंसे हुए। और बात करें सेल्फ़ी की, तो सेल्फ़ी 16 मेगापिक्सल की सेल्फी होने वाली है, उसमें 4000 mAh की बैटरी है, उसमें फास्ट चार्जर भी है। ये 8000 की प्राइस में है, लेकिन 8000 की प्राइस फिर भी आपने निकाला है फ़ोन, कितना अच्छा होगा। मैं अगर मुझे आएगा तो मैं आप लोग को बताऊंगा, और मुझे डिटेल अगर इसकी और कुछ भी मिलेगी तो बताऊंगा। ये अक्टूबर तक का शायद लॉन्च होने वाला है। और बात करें थर्ड न्यूज़ की, तो थर्ड न्यूज़ में हमें पता चला है कि जैसे वन प्लस का 7T Pro आने वाला है, बहुत जल्दी आने वाला है वन प्लस का 7T Pro, अक्टूबर में ही शायद लॉन्च हो जाएगा। 10 तारीख तक का लॉन्च होगा, और 15 तारीख से शायद सेल पे भी जाने लगेगा वो फ़ोन, दिवाली के अभी जो ऑफ़र लगेंगे उसमें। तो फ़ोन दिखने में काफ़ी मतलब अच्छा ही दिख रहा है, सब कुछ सही में, थोड़ा बहुत ही मेरे ख्याल से इसमें भी चेंजिंग किया, ज़्यादा चेंजिंग नहीं किया वन प्लस वाले ने। तो फ़ोन आएगा तो और पता चलेगा। और बात करें जो पबजी लवर है, जो पबजी खेलते हैं, उन लोग के लिए भी न्यूज़ है। जो पबजी मोबाइल गेम है, तो वो अब क्या करता है पबजी वाला, तो सबसे पहले लिस्ट निकालते हैं जितने भी हैकर लोग रहते हैं, उन लोग की हैकिंग, अभी सितंबर की हैकिंग की निकाला था, उसमें 30 से 40 लोग उसके आए थे, तो उन लोग को सबको 10 साल के लिए बैन कर दिया एकदम। तो पबजी उन लोग अब खेल ही नहीं सकते, बैन हो चुका है। खेलो भाई खेलो, लेकिन अच्छे से खेलो, चीटिंग करके खेलने में क्या मज़ा है, जो आप रियल में खेलेंगे उसमें मज़ा है तो ज़्यादा अच्छा है। जैसे कि अभी मैं भी चालू किया कॉल ऑफ ड्यूटी, पहले पबजी खेला, मुझे मज़ा नहीं आया, कॉल ऑफ ड्यूटी खेलता हूँ। तो खेलिए उधर भी आके अच्छे से, लेकिन बिना हैकिंग के खेलिए तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। अब बात करें वीवो की, तो ये न्यूज़ सुन के काफ़ी अच्छा लगा। वीवो अभी मतलब काफ़ी समझदार हो गया है, तो काफ़ी अच्छा वीवो भी काम कर रहा है, वीवो को मेरे तब से सल्यूट है। तो वीवो ने भी अभी सोच लिया कि वो 10,000 के कम के रेंज में भी फ़ोन निकालेगा, वो भी ज़्यादा फ़ोन निकालने वाला है। अभी उसका पहला ही फ़ोन तो हम लोग देख चुके हैं, वीवो का U10, जो काफ़ी अच्छा है, 5000 mAh इसकी बैटरी भी दे रहा है, 18 वोल्ट का फास्ट चार्जर भी दे रहा है, काफ़ी अच्छा फ़ोन है। तो अगर वीवो ऐसे फ़ोन निकालेगा तो वीवो भी काफ़ी अच्छा हो जाएगा, तो ये बात है, वीवो भी चला गए। और बात करें हमें, तो जैसे कि अभी डिटेल मिली है रेडमी 8 आने वाला है, वो 9 अक्टूबर को लॉन्च हो जाएगा इंडिया में, 9 अक्टूबर को लॉन्च होगा। लेकिन इसमें प्रोसेसर कुत्ता खास नहीं है, इसमें प्रोसेसर और अच्छा लगा सकता था, वही दे रहा है स्नैपड्रैगन का 439, और अच्छा लगा था तो और अच्छी सेल होती, पता नहीं क्या कर रहा है। लेकिन इसमें हमें एक क्वेश्चन भी दिया है वीवो रेडमी वाले ने, एक क्वेश्चन भी दिया, आप देख सकते 4 लिख के डैश, मतलब बैटरी कितनी होगी वो आप अपने अंदाजे से बता सकते। तो मेरे हिसाब से तो 4500 mAh की बैटरी हो सकती है, 4000 भी हो सकती है, अब देखते हैं जब फ़ोन आएगा तब पता चलेगा कैसे। और फ्रेंड्स हाँ, प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि मैं आप लोग के लिए ऐसी वीडियो लेके आता हूँ। और वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जब तक आई हैव अ गुड डे, ऑलवेज कीप स्माइलिंग।